उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी शब्बाब अब्बास नकवी वाइस चेयरमैन उत्तर प्रदेश और मोहम्मद नासिर कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद आए, जिनका सभी कांग्रेसियों ने रेलवे स्टेशन पर फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से वार्ता द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद अल्पसंख्यक समुदाय को नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के रूप में उतारा था, जो कि दूसरे नंबर पर रहा। अल्पसंख्यक जिला चेयरमैन को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निकाला गया। शहर और जिला चेयरमैन का गठन करने के लिए दोनों प्रभारी मुरादाबाद आए हैं, जिसके लिए कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ताओं का पैनल लगाकर प्रदेश चेयरमैन हाजी सिराज मेहंदी को पेश करेंगे, जो कि प्रदेश और आला कमान को भेजा जाएगा। मुरादाबाद कांग्रेस कमेटी को और अधिक मजबूत किया जाएगा। इस पर भी विचार विमर्श किया गया और साथ ही कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह से संगठित किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। अब तक किए गए जिला और महानगर संगठन अल्पसंख्यक की समीक्षा हुई। जिला और महानगर कांग्रेस संगठित होकर विरोधी दलों का मुकाबला करेगी। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। इस दौरान बैठक में हाजी सगीर सईद खान, असद मौलाई, असलम खुर्शीद, जिलाध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह, महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा, आजम अंसारी, जहीर आलम अंसारी, रिजवान चौधरी, कनीज फातमा, मोहम्मद जुनैद अंसारी, हाजी अली अकबर, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद अनीस, हाफिज याहिया सिद्दीकी, मुजफ्फर आलम अंसारी के साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ पर अल्पसंख्यक और जिला कमेटी शहर कमेटी की बैठक की समीक्षा और जो हमारे जिला अध्यक्ष उनको निकाला गया है, तो वो जुड़पा रिक्त हुआ है, उसकी उसके लिए भी हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे चेयरमैन इस पर समीक्षा करेंगे और जो भी फैसला लेंगे वो आगे हम लोग। सर क्या पद है और कितने लोगों ने आवेदन किया उस पद के लिए? मेरे पास सामने हैं, करीब 7-8 लोग हैं और अभी लोग आए हुए हैं और भी आ रहे हैं। पद क्या है? जिला चेयरमैन अल्पसंख्यक। सर राहुल गांधी ने ताजपोशी हो गई है, क्या मानना है, कांग्रेस में अब नई ऊर्जा का सृजन होगा या? देखिए, राहुल गांधी जी की ताजपोशी हो गई है, कांग्रेस के अंदर ऊर्जा का संचार तो होगा और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से चलेगी और सोनिया जी के नेतृत्व में भी अच्छी चली और अच्छा कार्य किया और राहुल जी के नेतृत्व में इंशाल्लाह आगे और अच्छा कार्य करेगी और सारे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस एक होकर के कांग्रेस को आगे ले जाएंगी और इंशाल्लाह 19 में राहुल जी की बनेगी। अब बीजेपी का एक नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत को, लगभग वो दिख भी रहा है। अब राहुल जी की ताजपोशी के बाद कांग्रेस ने किस तरह से ऐसे उनके कहने से कांग्रेस मुक्त भारत हो नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना है। आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, गांधी जी ने हमारे साथ रहे, हम गांधी के विचारधारक हैं और जो ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये नहीं बना सकते। एक ज़माना वो था कि जब बीजेपी मुक्त भारत था, आज उन्होंने झूठ बोल करके, झूठे वादे कर करके ये जो सरकारें बनाई हैं, क्या आज 3.5 साल होने को आ रहे हैं, 4.25 साल, क्या उन्होंने एक भी वादा पूरा किया? भाई मीडिया उनसे भी सवाल करे कि आज भी उन्होंने एक भी वादा पूरा किया? चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो 15 लाख खाते में आने वाली बात हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, किस बात पे, बिजली आदि फलाना और ये सब चीज़ें, क्या उन्होंने आज तक कोई वादा पूरा नहीं किया? सिर्फ बयानबाजी और सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्ष भी बीजेपी को नोटबंदी GST के मुद्दे पर हमेशा से घेरता रहा है, लेकिन फिर भी गुजरात और हिमाचल के चुनाव में इसका असर नहीं देखने को मिला, तो क्या मुद्दे लेके आगामी 2019 के चुनाव में उतरेगी कांग्रेस? देखिए, हमारे तो मुद्दे वही रहेंगे जो कांग्रेस के रहे हैं। भाई हम किसान के साथ हैं, मजदूर के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, महंगाई के खिलाफ हैं। भाई जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, जब हमारे ज़माने में पेट्रोल के कच्चे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे क्रूड ऑयल के, तो पेट्रोल बढ़ रहा था। आज पेट्रोल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम गिर गए हैं, तो क्या इन्होंने गिराए? उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। कांग्रेस इसका विरोध करती रही है संसद में, लेकिन उसकी आवाज़ को दबाया जाता रहा। तो इसमें देखिए, सीधे वो अपने विचार हैं, उन्होंने क्या कहा, लेकिन चूँकि कांग्रेस इस विचारधारा की नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो। क्या 2019 में आप किसी पार्टी और पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी, मैं इनके सवाल का जवाब देती हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा हमारी, उनकी विचारों की लड़ाई है, हम प्रधानमंत्री को इस तरह की समर्थन नहीं करते। यानी बयान 2019 में किसी और पार्टी के साथ
समझौता करेंगे चुनाव। ये पार्टी आलाकमान जो राहुल जी फैसला लेंगे वो आगे देखा जाएगा, वो उनका काम है, हम लोग उसमें। इनका जो जिला सदरों का आपके पास बाई डेट आया, कब तक ऐलान होने की उम्मीद है? इसको देखिए प्रदेश में जाने के बाद समीक्षा होगी, मीटिंग होगी, वो जो फैसला लेंगे वो आलाकमान, फिर वो लगभग कितना टाइम जाएगा एसीसी को जो फैसला होगा। ठीक है, जो भी बहुत जल्द से जल्द होगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी जी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।